हमारा शूट लोकेशन के जस्ट सामने ये वाली जगह आप देख लो, बीच इतना सामने ही है हमारे, ये देखो वाह। एक्शन। मॉर्निंग गाइज, आज है डे टू की शुरुआत हो रही है मेरे गाड़ी चलाने से। सो मैं आया हूँ मेरे सीमेंट डीलर के पास सीमेंट खरीदने के लिए। इस सीन में हम ये दिखा रहे हैं कि मैं मेरे सीमेंट के डीलर को मिलने आया हूँ और यहाँ से लेकर मैं अब जा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा कहाँ है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ये कैमरा है, उस एंगल से लिया जाएगा। सो दिस इज़ द लाइव लोकेशन जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक सीमेंट डीलर का शॉप है जहाँ पे ये पूरा सेटअप लगा है, एज यू कैन सी। आज आपको एक और बात बताता हूँ जो मुझे अभी पता चली, और वो ये है कि ये जो फिल्म है इसमें कोई डायलॉग्स नहीं है। सारा जो कम्युनिकेशन है वो हम एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दे रहे हैं। कोई डायलॉग्स नहीं है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरी फिल्म की है वो है बैकग्राउंड म्यूजिक, और बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है बाय नन अदर दैन द लेजेंडरी द ऑस्कर विनर A.R. रहमान। यस, इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो पूरा कंपोज किया है A.R. रहमान ने। सुनने में बड़ा मज़ा आएगा और इसका वाइब नेक्स्ट लेवल होगा। तो दोस्तों, मैं अब मेरे सीमेंट डीलर की शॉप पे आया हूँ और अब आपको मिलवाता हूँ मैं हमारे सीमेंट डीलर से, के साथ मैंने मेंटलहुड में भी काम किया है। मेंटलहुड जो वेब सीरीज़ है, जो Z5 पे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लो। उसमें इन्होंने प्रिंसिपल का कैरेक्टर किया और वाह क्या कमाल का प्रिंसिपल बने, वाह वाह, सारे बच्चे भाग गए छोड़ के। एनीवे, अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे सीमेंट डीलर से जिनका नाम है दीपक जी। दीपक जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते रोहन भाई, क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया। सर आप प्रिंसिपल थे, अब आप सीमेंट डीलर बन गए हो, क्या कैरेक्टर के लिए क्या मेहनत कर रहे हो आप? मेहनत तो ऐसा है कि हर किरदार में बस घुसे चले जाओ, घुसे चले जाओ। तो इस कैरेक्टर के लिए आपने क्या स्टडी करी है, ये क्या बनाया है आपने अपने खाता बुक में? दोस्तों देख सकते हैं आप बिल की जगह क्या लिखते हैं, ये देखिए आप। ये कभी कभी करना पड़ता है, थोड़ा बोरियत होती है तो ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती है। बिल भी खाली है यहाँ पे, अभी भरेंगे ना? और इस फोन का कॉल ही भरेंगे, अभी फोन का कॉल ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दीपक जी इतना अपसेट होकर क्यों खड़े हो आप? अरे भाई एक परेशानी है। क्या हुआ बताओ? अरे तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हो, इतने व्लॉग्स बना रहे हो यार, लाइक मिलते नहीं है, और लाइक मिलते तो शेयर नहीं होता, और शेयर होते तो सब्सक्राइब नहीं होती, बात क्या है? गाइस करिए, ठोकिए लाइक्स, सब्सक्राइब कीजिए। दीपक जी ने बोला है कर देना यार, ठीक है? मैं नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता भाई। अपन पी रहे हैं नींबू पानी, पियेंगे आप? चलिए छोड़िए, नहीं नहीं रहने दो रहने दो, सब्सक्राइब करते नहीं है क्या जिनको नींबू पानी पिलाए? So that's my new vanity. आज का दिन इस वैनिटी में बीतेगा। तो यहाँ पे शूट हो रहा है आर्किटेक्ट का ऑफिस का सीन। We are going to walk through this corridor. ये कॉरिडोर में वॉक होगा, बहुत अच्छा शॉट आएगा। असली में ये आइनॉक्स है, लेकिन फिल्म में ये आर्किटेक्ट का ऑफिस है। सो माई लंच इज़ हियर। तो मैंने मंगाया है पनीर मील फ्रॉम मैकडी, ये मेरा फेवरेट है, और यहाँ पे है चॉकलेट शेक, गुड। सो अब हम आर्किटेक्ट के ऑफिस में आए हैं। तो इनसे तो मैंने आपको कल मिलवाया था, गौरव जी से, इनके ऑफिस में हम आए हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग आए हैं यहाँ पर, और ये ऐसा कुछ सेटअप है, देख सकते हैं आप। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा नहीं होता जो ऑर्डर में आप ऐड देखें उसी ऑर्डर में शूट होता है। ये जो हम शूट कर रहे हैं आज, ये ऐड के पहले सीक्वेंस में आएगा, लेकिन ये एंड में हो रहा है। अभी हम आर्किटेक्ट के ऑफिस में आए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और मेरी वाइफ आपको बताएगी कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने आए हैं आर्किटेक्ट के साथ। इट्स अ वेरी फनी थिंग, आई डोंट नो हम क्या डिस्कस करने आए हैं, बट इसके बाद हम बहुत रोमांटिकली कॉरिडोर से वॉक ऑफ करके जाते हैं। हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के हम, सिंपल। आर्किटेक्ट जो है इनका धंधा कोरोना में मंदा हो गया है और वो ट्रैवल एजेंट बन चुके हैं। आर्किटेक्ट जी क्या कहना चाहेंगे आप? हनीमून पे कहाँ भेजेंगे आप हमें? हनीमून आपको बागा बीच भेज सकता हूँ मैं। बागा भेज रहा है यार ये बंदा, बागा भेज रहा है यार, छोड़ रहे यार छोड़ो। ये जो चीज़ देख रहे हो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुझे स्कूल की याद दिलाती है।
कोई खड़ा होता था मैडम का आंसर देने के लिए, तब हम उसके नीचे ये लगा देते थे, फिर वो बैठता था तब उसका। अब समझ जाओ यार, आपने भी इसीलिए यूज किया क्या? इसीलिए हमारी शादी हुई है। One be in a sequence, what we're doing is one is a very functional discussion, but another one will be something you would just normally talk now. So when do you, when are you guys moving in? When did you, how long have you been in the city? Something else. Something I want which is a more personal conversation, something that is more functional about the scene. So this is the Chroma shoot that is happening right now. The scene aisa hai ki ye film ka end hai. Yahan pe JSW ka logo aa jayega. सीन ये है कि सारी फैमिलीज़ ने JSW की सीमेंट लेकर घर बनाया है और ये वही सारी फैमिलीज हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट है, फेस्टिव सीजन है इस वजह से। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर शूटिंग फॉर 15 आवर्स आई एम स्टिल हियर एंड दिस इज द लास्ट सीन दैट इज टू बी शॉट। फिल्म में ये सबसे पहला सीन है, ये ओपनिंग सीन होने वाला है इस फिल्म का, तो अब वो शूट हो रहा है। 15 घंटा शूट किया है आज, कल शूट किया था 12 घंटा, मतलब एक ऐड बनने के लिए हमने शूट किया है कितना होगा, 15 और 12 27 घंटा शूट किया है। देखो सो ये है हमारा सरकारी ऑफिस, वाह, ऑल फेक ऑफिस, क्या बनाया है। By the way, that's the DA, director's assistant, but वो यहाँ पर बैठेंगे सामने है कैमरा। तो ये जो घर देख रहे हैं आप, ये मेरा ड्रीम हाउस है और इसी को बनाने के लिए ये पूरी एड बनी है, ये वाला घर। This is like going to go on for some time. I hope you guys enjoyed watching the video. Sniper. Chalo. See ya. It won't.